नमस्कार, स्वागत है आपका लॉजिकल भगत में। मैं हूँ चंदन भगत और आज वॉशिंग मशीन की एक नई जानकारी के बारे में आपके लिए लेकर के आया हूँ, जिसमें 2D, 3D, 4D के बारे में बताया गया। तो चलिए पहले इंट्रो कर देते हैं। हमारा नया इंट्रोडक्शन था, तो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो अब आते हैं 2D, 3D, 4D के कॉन्सेप्ट पर। तो 2D, 3D, 4D एक्चुअली डायमेंशन होती है, 2 डायमेंशन 3 एंड 4। तो इसमें पानी कितनी तरफ से आएगी इसके बारे में जानकारी होती है। अगर 2D होती है तो मशीन के अंदर पानी दो तरफ से कपड़ों के ऊपर जाती है, अगर 3D होगी तो 3 एंड 4D होगी तो 4। जिससे क्या होता है कि कपड़े अगर पानी में डूबे हो तो क्या होता है, कपड़े का ऊपरी हिस्सा में अगर डिटर्जेंट लगा हो तो वो अच्छी तरह से साफ़ नहीं हो पाता। तो जिसके लिए उसको साफ़ करने के लिए 2D तो दो तरफ से कपड़ों पर ऊपर की तरफ से शावर भी होती है, 3D में ऊपर की तरफ से शावर होती है एंड नीचे की तरफ से भी आती है, एंड 4D में चारों तरफ से लगभग कपड़ों को पानी मिल जाता है। तो कपड़े के ऊपरी हिस्से में डिटर्जेंट रह जाए, इस रीज़न से इसको 2D, 3D, 4D में बांटा गया। तो इसी तरह की नई नई जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में नोटिफिकेशन बेल है उसे भी ऑन कर दीजिए। और हाँ, आपके भी मन में अगर कोई आपको भी अगर किसी तरह के डाउट्स हो, अगर वॉशिंग मशीन से रिलेटेड, वॉशिंग मशीन के अलावा मैं माइक्रोवेव, डिश वॉशर, ड्रायर एंड वाटर फिल्टर के भी जानकारी आपको दे सकता हूँ। तो आप कोई भी अगर जानकारी आपको देनी हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए। तो इसी तरह की नई नई जानकारियों के लिए फिर से मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।